नमस्कार दोस्तों, एफएस टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपका अपना कपिल शर्मा आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री मालिक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है। देखते हैं क्या बड़ा मामला है। बहादुरगढ़ में 6 दिसंबर के दिन एक बहादुरगढ़ के फैक्ट्री मालिक, जहां पर जूता बनाने की फैक्ट्री है, मनोज गुप्ता जी, उनको धमकी देके रंगदारी के पैसे मांगे गए थे। तो उसी दिन पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था और उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी मनोज गुप्ता जी को। मनोज गुप्ता जी ने इस मुकदमे में अपनी पुलिस पर भरोसा रखते हुए पूरा कोऑपरेट किया। और पहले दिन जो धमकी आई थी, धमकी के दौरान एक आदमी ने कहा था कि 25 लाख रुपये दे दो, वरना हम आपके तीनों भाइयों को, आप तीनों भाइयों को और आपके पिताजी को मार देंगे। इसके आधार पर पुलिस ने तफ्तीश स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने पर पाया गया जिस मोबाइल से फ़ोन किया गया था, वो मोबाइल 3 दिन पहले किसी यूपी के आदमी से सेक्टर 17 के इलाके से छीना गया था, जो चोट मार के, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज है। इसी संबंध में जब 6 तारीख को भी ये धमकी आई और 7 तारीख को भी धमकी आई, धमकी के दौरान वो पैसे मांगने के बारे में और बार बार अपने बल्ब यूज़ करने के लिए और उनको नुकसान पहुँचाने के बारे में रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास उपलब्ध हुई थी और उनको फ़ोन कर रहे थे। पुलिस ने अपने इस मुकदमे के संबंध में जब तफ्तीश की, तो तफ्तीश के दौरान जो आसपास के लोग, कई सारे बहुत सारे कम से कम 30-35 लोगों को हमने शामिल जांच किया, उनको पूछताछ की, मगर इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही हमें अंदाज़ा लग पाया कि ये लोग कौन हो सकते हैं। इसकी तफ्तीश के दौरान बीच में जो मालिक थे फैक्ट्री के, उनको लगातार फ़ोन पहले 6 तारीख को आए, फिर 7 तारीख को आए। 7 तारीख के आने के बाद उनको शायद पता चल गया कि पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उन्होंने फिर दोबारा 17 तारीख को संपर्क किया और 17 तारीख के बाद में फिर 20 तारीख को संपर्क किया कि हमें पैसे लेने के बारे में। तो पुलिस ने इस दौरान लगातार संपर्क बनाए रख के, पुलिस की टीम CIA 1 बहादुरगढ़, CIA 2 बहादुरगढ़ और जो DSP साहिबान थे, DSP अरविंद और DSP पवन, इन लोगों ने लगातार इसमें बातचीत और जो कंप्लेनेंट्स हैं उनसे करके इस मुकदमे के संबंध में ये योजना बनाई कि इनको पैसे देने के लिए हमारा हेड कांस्टेबल CIA 2 का मुलाजिम जाएगा और उसको एक डमी बैग देके 4-5 दिन पहले 17 तारीख को भी और 19 तारीख और 20 तारीख को उसके बताए हुए स्थानों पे भेजा गया। परंतु वो उसने पुलिस पे उस पर शायद उसको शक हुआ या उसको डर था किसी बात का, उसने जगह जगह स्थान बदलता रहा। फाइनली इसने 21 तारीख को ये कहा, 21 तारीख को ना, कल ही 21 तारीख को एक गंगानगर जाने वाली ट्रेन में बैठने के लिए आशीष को कहा और आशीष उसके द्वारा जब वहाँ पे बैठ के जा रहा था तो उसका मोबाइल काफ़ी देर तक ऑन रहा और हमें लोकेशन मिली। उसी लोकेशन के आधार पे हम लोगों ने इनको, दोनों जो अपराधी थे जिसमें मोनू और सुशील यादव, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये सुशील यादव का रोल मेन तौर पर